बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय नेम इज़ सरफराज हुसैन राजा एंड आई एम प्रेजेंटिंग माय कोर्स रिसर्च वर्क प्रेजेंटेशन टू सर डॉक्टर कमर महमूद। माय प्रेजेंटेशन इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर अटैक्स इन IoT। हम इस प्रेजेंटेशन में डिफरेंट रिसर्च पेपर्स का रिव्यू करेंगे और उन पेपर्स में जो क्लासिफिकेशन बताई गई है साइबर अटैक्स की इन फील्ड्स ऑफ IoT वो हम रिव्यू करेंगे और जो टेक्निक्स प्रपोज की गई हैं इन पेपर्स में उनके बारे में भी हम रिव्यू करेंगे। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि IoT क्या होता है। IoT जैसा कि हमें देखने से पता चल रहा है कि टू वर्ड्स का एक मजमूआ है, इंटरनेट और थिंग्स। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क को कहते हैं जिसके साथ फिज़िकल डिवाइसेस या ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट होते हैं। जैसे कि हम अगर अपने घर की मिसाल लें तो हमारे घर में डिफरेंट टाइप्स के अप्लाइंसेस हैं, जैसे हमारा ओवन हो गया, हमारे ACs वगैरह हो गए, तो इनमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बिल्ट इन होते हैं। और इसके अलावा भी जो डिवाइसेस वाईफाई के साथ कनेक्ट होती हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती हैं, उनमें हमारे स्मार्टफोन्स, स्मार्ट TVs और लैपटॉप वगैरह भी होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम IoT है क्या। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कहते हैं। उसको अगर हम थोड़ा सा समझें तो वो तमाम डिवाइसेस जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं उनको हम IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। अपने घर की मिसाल लें तो हम देखेंगे कि हमारी वाईफाई के साथ बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जैसे हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, हमारे स्मार्ट TVs वगैरह। अब हम थोड़ा उसको ब्रॉड वे से देखते हैं। पूरी दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि अपना बिजनेस चला रही हैं, उनका अपना सर्वर भी होता है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है। अगर हम एक कंपनी को ही ले लें तो हम देखते हैं कि इस एक कंपनी की कई क्लाइंट कंपनियाँ होंगी। उस कंपनी के शायद हज़ारों या हो सकता है कि लाखों रजिस्टर्ड यूज़र्स भी हों। अब हम देखेंगे कि इस कंपनी का साइबर सिक्योरिटी सिस्टम महफूज है या नहीं, सिक्योरिटी में कोई फ्लॉज तो नहीं, क्या कोई हैकर आसानी से उनकी सिक्योरिटी वीक सिक्योरिटी की वजह से उस कंपनी का कीमती डाटा तो चोरी नहीं कर रहा। अगर ऐसे कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो अटैकर उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि IoT काम कैसे करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि IoT काम इस तरह करेगा, जैसे जितनी भी डिवाइसेस और ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तमाम सेंसर्स उनमें मौजूद होते हैं जो कि एक IoT का एक प्लेटफॉर्म होता है उसके साथ मुंसलिक होते हैं। ये सेंसर के ज़रिए मुख्तलिफ डिवाइसेस से डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर इस डाटा को एनालाइज करते हैं। अब ये जो नहायत ही ताकतवर किस्म के IoT प्लेटफॉर्म दुरुस्त एनालिटिक्स परफॉर्म करते हैं जैसा उनको ऑनर इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि हम जानते हैं कि IoT हमारे घर में या हमारे ट्रांसपोर्ट में भी हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ ऐसे इश्यूज़ हैं जो सिक्योरिटी में ऐसी खामियां मौजूद होती हैं जिनकी वजह से IoT डिवाइसेस को ख़तरा लाख हो सकता है। अगर आप एक ड्रोन उड़ा रहे हों और उसको आप अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर रहे हों तो हो सकता है कि एक हैकर उस ड्रोन का कंट्रोल वीक सिक्योरिटी की वजह से हासिल कर ले और आप चाहे उससे खेले या उसको तबाह कर दें। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक बड़े नेटवर्क के साथ हमारे वाईफाई और हमारे स्मार्टफोन, हमारे लैपटॉप और डिफरेंट टाइप्स की IoT डिवाइसेस वो सारी अटैच हैं। अब हम थोड़े से टाइप्स देखते हैं सिक्योरिटी साइबर अटैक्स के। फिज़िकल अटैक्स उस वक्त होता है जब कोई किसी डिवाइस पर कंट्रोल हासिल करता है। ऐसा करने वाला किसी भी कंपनी के अंदर का आदमी भी हो सकता है, इसलिए IoT डिवाइसेस को महफूज एरिया में होना चाहिए। कोई भी USB के ज़रिए मलिशियस कोड्स डिवाइस के अंदर डाल सकता है। एनक्रिप्शन कोड, जब कोई IoT डिवाइसेस अनएनक्रिप्ट होती है तो हैकर स्निफिंग के ज़रिए डाटा चोरी कर सकता है। DoS, डिनायल ऑफ सर्विसेज, इसका मतलब है कि जब हम कनेक्ट करते हैं अपनी डिवाइसेस को IoT डिवाइसेस को तो वो जो है वो आगे से हमें कोई कनेक्शन या सर्विस, वेबसाइट की सर्विस हमारे तक नहीं पहुँच पाती। फर्मवेयर ये है कि सॉफ्टवेयर को अपडेट ना रखने की सूरत में वकूफ पजीर होता है। हमें इस यकीन के साथ कि जो अपडेट्स हम वसूल कर रहे हैं वो असल सोर्स से ही आ रही हैं या नहीं।
हैकर्स भी सोर्स को हाईजैक करके मलिशियस सॉफ्टवेयर भेज सकते हैं। बोटनेट के ज़रिए नेटवर्क के साथ मुंसलिक डिवाइसेस को कंट्रोल किया जाता है। मैन इन द मिडल ये दो पार्टीज़ के दरमियान होता है जो कि उन के दरमियान सिक्योरिटी को ब्रीच करता है, और रिसेप्शन को ये मालूम नहीं होता कि मैसेज असल सेंडर की तरफ से आ रहे हैं या नहीं। रैनसमवेयर, इसमें डिवाइस के अंदर ऐसे मालवेयर डाल दिया जाता है जो कि फाइल्स को कंट्रोल करके एनक्रिप्ट कर देता है। उसके बाद हैकर आपसे एक किस्म का तावान वसूल करके डिक्रिप्शन की आपको देता है। एवस ड्रॉपिंग, ये आईओटी और सर्विस के सर्वर के दरमियान कमज़ोर कनेक्शन की वजह से होता है। इसमें हैकर नेटवर्क ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करता है और इंफॉर्मेशन चोरी करता है। प्रिविलेज एस्केलेशन, इसमें हैकर किसी डिवाइस की बग्स और वीकनेसेस के ज़रिए उन एप्लीकेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो किसी यूज़र की प्रोफाइल को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। कंट्रोल हासिल करने के बाद आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या आपके बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन हासिल करता है और उसको अपने तौर पे उसको गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। ब्रूट फोर्स अटैक के सिनेरियो में हैकर बहुत सारे पासवर्ड सबमिट करता है और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है कि कौन सा पासवर्ड करेक्ट है। मकसद सिर्फ इम्पोर्टेंट डाटा को हासिल करना होता है। Now in the slide we can see that attack based on devices. These are high end and low end devices. Device attacks. Attacks based on location are internet and internal and external attacks. Attack based on access level are active and passive attacks. Attacks based on information. Damages include interruption. ड्रॉपिंग, मॉडिफिकेशन, फैब्रिकेशन, रिप्ले एंड मैन इन द मिडल अटैक्स। होस्ट बेस्ड अटैक्स आर यूजर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अटैक्स। अटैक्स बेस्ड ऑन स्ट्रेटजी आर फिजिकल एंड लॉजिकल अटैक्स। प्रोटोकॉल बेस्ड अटैक्स आर डिस्ट्रप्शन एंड डेविएशन अटैक्स। लेयर बेस्ड अटैक्स आर परसेप्शन, नेटवर्क मिडलवेयर एंड एप्लीकेशन अटैक्स। In this paper, we can see this paper is cyber crimes, a proposed taxonomy and challenges. We can see the cyber violence, cyber world war, cyber terrorism, cyber stacking, cyber revenge, cyber peddler, cyber frauds. साइबर एक्टिविज्म, साइबर थेफ्ट, साइबर रेस्पनेज, साइबर पोर्नोग्राफी, साइबर स्क्वेटिंग, क्लासिक साइबर स्क्वेटिंग, डेरोगेटरी साइबर स्क्वेटिंग। This paper includes different types of classification of attacks. These are vulnerability. It includes OS vulnerability, software vulnerability, compromised worker, weak password. Attack vector includes social engineering, malware. These malwares, hacker can take control and send malicious softwares to the IoT devices. Attack target, it includes intellectual property, manufacturing machines, product. Attack impacts, this is anatomy of threats to the Internet of Things. Attacks are of geolocation and physical security, communication technology and topology, centralized or a distributed network, network segmentation and network virtualization.
Here we can see attack sequence of compromising a smart home controller through an open interface. हैकर एक कंट्रोल हासिल करता है, कंट्रोल हासिल करने के बाद उस डिवाइस पे जाकर उसकी जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो चोरी कर सकता है. अब जो एल्गोरिदम इस टाइम यूज़ हो रहे हैं वो उनमें डेस एल्गोरिदम है, एईएस एल्गोरिदम है, ट्रिपल डीईएस है, आरएसए जो कि इनके फाउंडर्स पे नाम पे है, रेवस्ट शमीर एंड एडलमैन, और एक और एल्गोरिदम है टू फिश एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड. इन एल्गोरिदम में भी बहुत सारी डेवलपमेंट की ज़रूरत है और डेवलपमेंट हो भी रही है. अब कंक्लूजन में हम देखेंगे कि हम साइबर सिक्योरिटी जो अटैक्स हैं उनके बचाव के लिए हम कौन कौन से बेहतर इकदाम कर सकते हैं. सबसे पहले सिक्योर बूट इज ऑथोराइज फर्मवेयर अपडेट और एनी अदर कैन डू नोइंग यू बाय सेंडिंग फ्यू लाइन्स ऑफ कोड एंड देन योर डिवाइस इज नॉट योर डिवाइस नाउ. ऑथेंटिकेशन इज देर एनी ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट और नॉट एट ऑल, पासवर्ड्स आर सिक्योर एंड कम्प्लेक्स. प्रोटेक्टेड पोर्ट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम अपने सिस्टम को यूज़ करते हैं तो बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी पोर्ट्स ओपन रहती हैं जिसको जिसका फ़ायदा हैकर उठा के तो उसको गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन चोरी कर सकते हैं. सिक्योर स्टोरेज इट मीन्स फाइल सिस्टम लेवल इंक्रिप्शन ऑफ डाटा फॉर स्टोरेज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. बट वट अबाउट द फ्लैश स्टोरेज इन आवर एम्बेडेड डिवाइसेज, बिकॉज दीज हैव टिपिकली फ्लैश स्टोरेज एंड डाटा इन दैम इज नॉट इन एनक्रिप्टेड फॉर्म विच लीड्स इंफॉर्मेशन ब्रीचिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.